जी हम आज टीची टेक में आपको बिगिनिंग गाइड के थर्ड लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको विंडोज एक्सपी की सोर्स को कैसे अपडेट करते हैं, उसकी हॉट फिक्सेस और अपडेट्स को कैसे अपडेट करते हैं दौरान इंस्टॉलेशन, उसके बारे में टीच करेंगे। जिसके थ्री मेथड्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पोस्ट है, हम यहाँ में जाएंगे अनअटेंडेड बिगिनिंग गाइड में अपनी। तो ये हमारा जी मेन लेक्चर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ मैंने थ्री मेथड्स बताए हैं। पहला है इंटीग्रेट मेथड, सेकंड वन है एस वी सी पैक डॉट आई एन एफ, थर्ड वन है जी एनलाइन मेथड। तो हम ये तीनों हमें अब आप इसी इन 15 मिनट्स में बताऊंगा। तो चलें, ये कुछ हॉट फिक्सेस हैं, हॉट फिक्सेस और अपडेट्स। अब ये हॉट फिक्सेस और अपडेट्स होती क्या हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। फर्स्ट करें, अगर आप सर्वस्पेक 2 यूज़ कर रहे हैं तो सर्वस्पेक 3 जारी सी बात है कि सर्वस्पेक 2 से लेटेस्ट है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की गई हैं लाइक सिक्योरिटीज अपडेट्स, मीडिया प्लेयर्स, सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप .msi की फाइल है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलेशन फाइल, अगर आप सर्वर स्पेक 2 यूज़ कर रहे हैं ओल्ड वर्जन, तो जो लेटेस्ट .msi की फाइल्स आ रही हैं वो उसमें अगर आप उसको रन करेंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, रन नहीं होगी, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि इसकी जो लेटेस्ट अपडेट फाइल है उसको नेट से डाउनलोड करके मुझे दो। तो आप नेट से जाएंगे और लेटेस्ट जो उसकी अपडेट है वो उठाकर इंस्टॉल करेंगे, देन वो फाइल आपकी इंस्टॉल होगी। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप सर्वर स्पेक 2 यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन फ़ाइल बनानी है, उसको दौरान इंस्टॉलेशन अगर आपकी विंडो इंस्टॉलेशन हो रही है तो उस वो कैसे इंस्टॉल होगी। उसमें कुछ साइलेंट स्विच यूज़ होते हैं, जो यानी कि जो साइलेंट स्विच होते हैं वो जब हमारे लाइक 13 मिनट्स या 10 मिनट्स रिमेनिंग रह जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ना इंस्टॉल हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसमें मैंने 2 है सर्वर स्पेक 3 की अपडेट्स हैं, ये सर्वर स्पेक 3 की अपडेट्स हैं 13 और सर्वर स्पेक 2 की 99 अपडेट्स। तो चलें मैं बताता हूँ आपको तीनों मेथड कैसे करते हैं। तो मैंने पहले ही से ही कुछ अपडेट्स करके रखी हुई हैं, तो आपके पास जो मैंने एनलाइट के थ्रू आपका वो सोर्स कॉपी करवाया था, हम उसके ऊपर ही पहला मेथड जो एंटीग्रेट मेथड वो इस पर यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये सिक्योरिटी अपडेट की एक हॉट फिक्स मैंने की थी डाउनलोड, जो कि मैं अपने जो सोर्स फाइल है उसके ऊपर इंटीग्रेट मेथड के ज़रिए इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मैं करके आपको दिखा। ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ, रन ब्राउज। तो ये थी सिक्योरिटी अपडेट की फाइल। ओके सॉरी, ये थोड़ा सा ओके इसको अगर आपने जब इंटीग्रेट करना है तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप इसको ना सी ड्राइव की रूट में रखें, तो वो ज़रा इजी हो जाता है, लेकिन वो जब सेमी कॉलन ज़रा। तो ये ना सिक्योरिटी अपडेट की फाइल, अब हम इसको करेंगे कैसे, ये हम इसके ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम जी ये कमांड ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कमांड की है / इंटीग्रेट कॉलन ई, ड्राइव है हमारी कॉलन और एक्सपी हमारा फोल्डर है जहां हमने एनलाइट के थ्रू जो सेटअप था ना वो सोर्स कॉपी किया था, ये उसका पाथ है, और जो बैकएंड पे आई है पड़ी है। मैं अब इसको ओके करता हूँ। व्हाट्स हैपनिंग, ओके यूज़र सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे। तो मैं वो दरअसल जो हमने वो कॉलन्स किए थे ना, कॉमास ख़त्म, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। आप कोशिश करेंगे इंटीग्रेटेड के मेथड में ना ये जो फाइल नेम है इसको सिंपली स्पेस बार स्पेस रूट में सी की रूट में कॉपी करें, और विदाउट स्पेस यानी कि नाम लिखें लाइक सिक्योरिटी कर लें। इसको हमने कॉपी किया, ओके देन वही
जो मैंने आपको बताया था कोड, फर्स्ट है इंटीग्रेट कॉलन्स ई ड्राइव, वो ली जहाँ हमारा ड्राइव में सोर्स पड़ा है और आगे उसका फोल्डर का नेम है, मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये इसने स्टार्ट कर दिया लिए, ये इस वक्त जो मैंने सिक्योरिटी अपडेट की फाइल वहाँ से डाउनलोड की थी साइट से, तो वो इस वक्त इस सोर्स में इंटीग्रेट हो चुकी है। ओके, इसका तो आपको पता लग गया। अब हम आते हैं कि ये तो थी विदाउट इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन के दौरान ये अब इंस्टॉल नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो चुकी है। अब मैं आपको वो मैटर बताता हूँ कि जब आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हो रही होती है, और 10 और 30 मिनट और 10 या 30 मिनट जब रिमेनिंग होती हैं, उसके बैकएंड पे जो इंस्टॉल होती है वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी है। वो मेथड है जी SV, ये हॉट फिक्सेस विद SVC पैक डॉट INFI। ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, ये है जी वो मेथड, हॉट फिक्सेस को कैसे इंस्टॉल करना है SVC पैक डॉट INFP फाइल से। तो ये देखें, इसमें मैंने ये है जी कि डाउनलोड कॉपी ऑल योर डाउनलोड हॉट फिक्सेस फाइल, यानी कि जो आप हॉट फिक्सेस की फाइल डाउनलोड करेंगे ना, उसने उसको आपने कहाँ कॉपी करना है, एक्सपी सीडी, यानी कि जहाँ हमने वो एनलाइट के जरिए सोर्स कॉपी किया था, उसमें I386 का फोल्डर है, उसके अंदर SVC पैक का एक फोल्डर आपने बना लेना है। अगर बना हो तो ठीक है, अगर नहीं बना तो बना लेना है। बना के उसके अंदर वो ऑल हॉट फिक्सेस आपने कॉपी पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद आपको ये मैं एक बार बताता चलूँ कि जो आपने हॉट फिक्सेस वहाँ पेस्ट करने हैं, उस फाइल का नेम 8.3, यानी कि 8 जो है ना उसके कीवर्ड्स और 3 वर्ड्स की एक्सटेंशन, यानी कि टोटल मैंने 11 लफ्ज़, यानी कि 8 वर्ड से ज़्यादा उसका नाम ना हो तो अदरवाइज़ वो एरर दे जाएगा आपको। कोशिश करेंगे शॉर्ट नेम ही रखें। तो चलें, ये है जी इसके नीचे ये मेथड बताया गया, ये विंडो 2000 के लिए यूज़ होगा, ठीक है, और ये विंडो XP के लिए यूज़ होगा, और ये विंडो 2003 के लिए यूज़ होगा। इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने कोड है इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, देन ओपन नोट पैड, इसमें पेस्ट कर देना है। ओके, इसको पेस्ट करने के बाद अब हमने इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, ये फाइल हमने SVC पैक डॉट INF के नाम से सेव करनी है। ओके, कहाँ करनी है, जहाँ हमारा सोर्स पड़ा है उसमें, ये बड़ा है XP I386। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ ये INF फाइल, ठीक है, ये इसमें करनी है। और जो हमारी अपडेट्स हैं वो I386 के अंदर SVC पैक के फोल्डर में करनी है। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ। कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं उसको कहूँगा चले मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इसके ऊपर नहीं अपडेट कर सकता। तो आपने ऐसे ही कर लेना, यानी कि अगर वो रिप्लेस का के अगर पड़ी है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं, तो आपने उसको सेव कर लेना। चले सेव कर ही देता हूँ, यस ओके हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, ये कैटलॉग है, ये देखिए उसने ये बताया हुआ है कि ये कहाँ से मैंने फाइल्स आपने उठानी है, ठीक है। तो ये है जी सेटअप हॉट फिक्सेस रन, ये देखें यहाँ आपने जो हॉट फिक्सेस आप किए हैं उस इस फाइल में आपने उसका नेम दे देना है, ये तो वैसे एग्जांपल के तौर पे है ना, उसका फाइल का नेम दे देना है। देन ये कुछ स्विचेस हैं जो कि हर फाइल्स के अलग हैं, यानी कि ये उसमें हॉट फिक्सेस के जो मैंने लेक्चर लिस्ट दी थी उसके अंदर बताया गया। ये देखिए वो बता रहा है सर्विस पैक 3 की 13 फाइल्स हैं, वो कह रहा है ये जो अपडेट है ये साइज़ है उसका, और वो कह रहा है कि इसके साथ ये स्विच यूज़ होंगे। अगर आप सेम स्विच ये स्विच यूज़ करेंगे तो ये फाइल इसके साथ बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगी, अदरवाइज ये एरर दे जाएगी दौरान इंस्टॉलेशन, आपकी विंडो भी इंस्टॉल होगी। हर फाइल के साथ उसका अलग स्विच है, ये याद रखते हैं कि स्विच आपने ठीक लगाना है उसके। ओके, तो ये देखें ये इसके साथ ये स्विच लगाए उन्होंने, इसके साथ ये स्विच लगाए। एक और बार हमारी इस पेज में ये नीचे मैंने बताया कि ये देखें हॉट फिक्सेस दो तरह की हैं, ये फर्स्ट मेथड है ये वाला, जिस फाइल की जो शेप है यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपने अपडेट किया उसकी शक्ल इस जैसी हो, तो उसके साथ ये स्विच लगेगा, जाहरी सी बात है 100% श्योर है यही लगेगा।
और जिस फाइल की शक्ल इस तरह की है, यानी इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, उसके साथ ये स्विच लगेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि फाइल्स की शेप में भी यानी कि उसकी शक्ल में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये स्विच इन दोनों के साथ डिफरेंट यूज़ होंगे, तो आपने ऐसे ही करना है, अदरवाइज ये एरर दे जाएगा आपको। ओके, तो अब इसमें आपने क्या करना है, चलें ये मैं आपको बता, अब आपने क्या करना है, चलें मैं आपको एक अपडेट करके दिखा देता हूँ। ये मेरा सोर्स पड़ा है, इसमें i386 ओपन करता हूँ मैं, इसमें ये पड़ा है। ओके, ये एक मैंने अपडेट की थी डाउनलोड, ये है विंडो मीडिया प्लेयर 9 की हॉटफिक्स। ठीक है, ऑलरेडी है लेकिन उसमें थोड़ी सी अपडेट की गई है, वो मैंने उठा लिया। आप हॉटफिक्स इस फाइल, आप इसको कैसे यूज़ करना है, ये इसका नेम है जी VM9, कॉपी उसी फाइल में रह कर मैं इसको नाइन WM9.exe। ओके, अब इसके साथ हमने स्विच लगाने हैं, वही वाले आप दिए देख सकते हैं, इसकी शेप देख सकते हैं कैसी थी, ये इसमें मैंने बताया अपने ट्यूटोरियल में, ये स्विच लगेंगे इसके। ये मैंने स्विच लगा दी है। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब मैंने सेव कर ली है और ये सेव हो गई है, देख भी लेते हैं कहाँ सेव हुई है। SVC, ये देखें, ये पड़ी हुई है फाइल, और इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखें ये पड़ी हुई है। इसी तरह आप इसमें स्टेप बाय स्टेप जितनी भी अपडेट्स हैं ना, वो इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे फोल्डर जो डायरेक्टरी है वहाँ कहाँ रखना है और स्विचेस कौन से यूज़ करने हैं। ओके, ये हो गया, तो ये था हमारा SVC पैक डॉट INF का मेथड। याद रहे इसमें जो हमने SVC पैक में जो फाइल्स रखनी है उसका नेम 8 वर्ड से ज़्यादा ना हो, 8.3। 8.3 का मतलब है 3 जो वर्ड्स होते हैं एक्सटेंशन के होते हैं। ठीक है, शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये था इसका मेथड। अब जो थर्ड वन मेथड था वो था जी एनलाइट का, तो वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, चलें वो भी आपको बता देता हूँ मैं, वो मन करते हैं एनलाइट को लोड कर लेते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, यहीं पड़ा है हमारा सोर्स हमेशा की तरह। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखें हॉट फिक्सेस एड ऑन देन अपडेट पैक्स। अब आपने यहाँ पर जो भी आपकी अपडेट है आपने इंसर्ट कर देनी है जहाँ आपकी पड़ी है, लाइक ये है ना, मैंने उठा के कर दिया, नेक्स्ट कर दूंगा तो वो कह रहा है स्टार्ट कर दूँ, तो मैं कह रहा हूँ कर दूँ। ये देखें वो जो मैंने फाइल उसको दिया है वो उसको ऑटोमेटिकली ना इसके ऊपर हॉट फिक्स कर रहा है, यानी कि अपडेट कर रहा है, फाइनलाइजिंग हो रही है। ये ले, मैं इंस्टॉलेशन रिड्यूस ले रहा हूँ, तो उसने इसके ऊपर कर दिया फिनिश। ये ले जी, ये थे हमारे आज के 3 मेथड, कौन था, वन था जी इंटीग्रेटेड, सेकंड वन था जी SVC पैक डॉट INF की फाइल, थर्ड वन था जी एनलाइट के थ्रू। तो ये मैंने आपको बता दिया यूज़ किस लिए होते हैं, इनके जो SVC पैक डॉट INF की फाइल है वो बैकएंड पे जब 13 या 10 या 30 मिनट्स हमारे रिमेनिंग रहते हैं विंडो इंस्टॉलेशन, वो साइलेंट इंस्टॉलेशन करता है, बैकएंड पे यूज़र को नहीं पता चलता कि क्या होता है। इसी तरह आप इसमें लाइक विंडो मीडिया प्लेयर कोई या होम सिंजर ऐड करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इसके बाद जो लास्ट लेक्चर है वो है जी boot.ISO की फाइल बनाएंगे और हम इसको ऑपरेटिंग इसमें को वर्चुअल मशीन में लोड करके देख लेंगे क्या हमने जो जो काम किए हैं वो इसमें वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई, अगर नहीं आई तो आप मुझे मेल करके मेरे ईमेल एड्रेस पे बता सकते हैं, जो कि मैं इसी लेक्चर के नीचे बॉटम में अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।